वेलकम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ सीएचओ का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक से, यानी कि सिलेबस का एक काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक से, वो है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इससे एक या दो से अधिक क्वेश्चन आने की संभावना है और निश्चित ही इससे एक से या दो क्वेश्चन आपके आएंगे। तो आज मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है, सीएचओ का एक टॉपिक है, वो है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो चलते हैं दोस्तों और अपन पढ़ते हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बारे में। क्या यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है? तो यूनिवर्सल जो प्रोग्राम है वो इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड है। दोस्तों एक और बात है, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो हम बात कर रहे थे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की। किसकी बात कर रहे थे अपन? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो इम्यूनाइजेशन के, यानी कि इम्यूनाइजेशन देने के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया है, उसे कहते हैं अपन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। अब मैं एक और इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले वैक्सीन कहां बना था और किसने बनाया था। तो जो सबसे पहले वैक्सीन बना था वो बना था 1798 में बनाया था। किसमें ने बनाया था? ये एडवर्ड जेनर ने बनाया था। और सब ये वैक्सीन सबसे पहले बनाया था, वो बनाया था स्मॉल पॉक्स के लिए। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे पहला जो वैक्सीन था वो किसके अगेंस्ट था, वो था स्मॉल पॉक्स के, और किसने बनाया था? एडवर्ड जेनर ने बनाया था। अब अपन बात करने वाले हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बारे में। तो यूनि यानी सबके लिए, यूनिवर्सल यानी सबके लिए एक प्रोग्राम है, सबको इम्यूनाइजेशन लगवाने के लिए एक प्रोग्राम है, उसे कहते अपन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। अब इसकी शुरुआत कहां से हुई? देखो WHO, ये जो ये यहां पर है WHO, तो WHO ने देखा कि वर्ल्ड में 6 महामारी ऐसी फैल रही है जिससे बच्चों की डेथ हो रही है या जिससे इन्फेक्शन के रेट बढ़ जाता है। तो WHO ने क्या किया 1974 में, किसमें 1974 में एक प्रोग्राम लॉन्च कर दिया, उसका नाम रखा एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन ऑफ इम्यूनाइजेशन, जो इम्यूनाइजेशन का एक्सपेंडेड प्रोग्राम रखा। और किसने डिजीज के लिए? 6 डिजीज के लिए। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यह है कि सबसे पहले जो EPI था WHO ने कब लॉन्च किया गया, वो 1974 में किया और 6 मेजर किलर डिजीज के लिए लॉन्च किया। अब क्या हुआ कि WHO को देख के इंडिया ने भी सोचा है कि यार हम भी ऐसा लॉन्च करें। तो इंडिया ने जो WHO ने जो प्रोग्राम दिया था उसे अडॉप्ट कर लिया है 1978 में, यानी कि 1974 में अडॉप्ट कर लिया है और उसे लॉन्च कर दिया EPI। ठीक है, यानी कि ये पूछा जा सकता है एग्जाम में आपसे कि इंडिया में EPI कब लॉन्च हुआ था, 1978 के अंदर। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि इसके अंदर इवैल्यूएशन हुए। पहले तो ये सिलेक्टेड पीपल्स के, यानी कि अपनी मर्जी से अनुसार लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगवा सकते हैं, ऐसे था। लेकिन इंडिया ने देखा कि यार ये तो अच्छा वैक्सीनेशन है और इससे मोर्टिलिटी रेट, जो कि इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है, ये सारी कम हो रही है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसको 19 नवंबर 1985 को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कर दिया। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कर दिया, कब कर दिया? 1985 में, और किसमें? श्रीमती इंदिरा गांधी की मेमोरी में। ठीक है, तो ये यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट पूछा जा सकता है कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यानी EPI को यूनिवर्सल में कब कन्वर्ट किया है। तो 19 नवंबर 1985 में इसको यूनिवर्सल में कन्वर्ट कर दिया गया। तो इंडिया के अंदर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसमें कितने जो डिजीज है, तो यहां पे इंडिया में इनिशियल में 6 डिजीज के लिए दिया गया वही WHO के अनुसार, लेकिन बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने इसको 7 डिजीज के लिए कर दिया गया। कितनी डिजीज के लिए कर दिया गया? 7 डिजीज के लिए। अगर आपसे पूछा जाए अभी करंट में कितनी वैक्सीन दी जा रही है, किसके अंदर? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत। तो अभी दी जा रही है वो दी जा रही है यहां पर, अभी कितनी वैक्सीन दी जा रही है? अभी वैक्सीन दी जा रही है वो दी जा रही है 12। ठीक है, 12 किस प्रकार से? देखो 9 तो नेशनल डिजीज के लिए दी जा रही है और 3 सब नेशनल डिजीज के लिए दी जा रही है। सब नेशनल डिजीज जैसे कि जापानीज एंसेफलाइटिस, रोटा वायरस और न्यूमोनोकोकल इन्फेक्शन के लिए। तो ये तो 3 सब नेशनल डिजीज है और 9 नेशनल डिजीज है, टोटल 12 वैक्सीन दी जा रही है।
बात करते हैं इनिशियल में कितना वैक्सीन दिया गया 7 डिजीज के लिए, तो 7 डिजीज में डिप्थीरिया, पर्टोसिस, टिटनस, पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स, हेपेटाइटिस, तो ये 7 डिजीज के लिए दिया गया था यूनिवर्सल। लेकिन अगर अभी पूछा जाए तो अभी कितने डिजीज के लिए दे रहे हैं, 12 डिजीज के लिए दे रहे हैं। तो अब इसके इवैल्यूएशन की बात कर लेते हैं, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का शॉर्ट रिव्यू ले लेते हैं अपन। देखो इम्यूनाइजेशन ईपीआई 1978 में लॉन्च किया गया एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन को, और 1985 में इसका नाम कर दिया गया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। फिर इसके बाद में इसको और इवैल्यूएशन करने के लिए 1986 में इसमें टेक्नोलॉजी मिशन के अंतर्गत कर दिया गया, और फिर इसको अडॉप्ट कर लिया किसने 1992 में चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदर फूड। ये पूछा जा सकता है कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को कब सीएसएसएम में इंक्लूड किया गया, तो 1992 के अंतर्गत इसको इंक्लूड किया गया। इसके बाद में फिर इसमें और इवैल्यूएशन हुए, और इवैल्यूएशन होते हुए ये जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम यहां पर किसमें, यहां पर प्रोग्राम जो 1997 में, यानी कि 1997 में इसको आरसीएच में इंक्लूड कर लिया गया, यानी कि रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम में इंक्लूड कर लिया गया, और 2005 में इसे इंक्लूड कर लिया गया किसको, इसमें एनआरएचएम में, यहां पर किसको इंक्लूड किया गया, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को। बाद में ये प्रोग्राम अब करंट में, अभी करंट में इस प्रोग्राम को क्या कहते हैं, रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है, 2012 से इसे बोलने लग गए रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। अब मैं आपको बता देता हूं कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत कौन कौन से डिजीज के वैक्सीन दिए जा रहे हैं, तो ये यहां पे पूछा जा सकता है आपसे कि इसको कब एनआरएचएम में लिया गया, तो 2005 में लिया गया। चलते अपन नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, बात करें अपन करंटली यूज इन यूपीआई वैक्सीन, करंट यानी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में कितने वैक्सीन यूज कर रहे हैं, तो मैंने अभी आपको बताया था, देखो 12 वैक्सीन प्रोवाइड किए जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका कोई कॉस्ट नहीं लिया जा रहा है। इसके अंदर 12 के अंदर 9 तो नेशनल और 3 सब नेशनल। देखो नेशनल का मतलब यानी कि पूरे इंडिया में इनको तो अनिवार्य है, यानी कि ये पूरे इंडिया में यूज किए जा रहे हैं, ठीक है, पूरे इंडिया में, नेशनल का मतलब हो गया ये डिजीज है वूल इंडिया के अंदर है, ठीक है, इसलिए इसे कहते हैं अपन नेशनल। बाकी 3 जो सब नेशनल है इसे कहते हैं अपन, यानी कि जो कुछ स्टेट में, यानी कि सेलेक्टेड स्टेट, ठीक है, स्टेट जो सेलेक्टेड स्टेट है उसके अंदर यूज करें उसे कहेंगे अपन सब नेशनल। तो दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया, ये 12 हो गया। अब मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से नेशनली डिजीज के अंतर्गत ले रहे हैं 9। देखो यहां पर बात करें अपन, वो यहां पर नेशनल जो डिजीज के अंतर्गत ले रहे हैं वो ले रहे हैं अपन, यहां पर कौन कौन से ले रहे हैं, यहां पर ले रहे हैं अपन डिप्थीरिया, पर्टोसिस, टिटनस, पोलियो, मीजल्स, ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस बी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ले रहे हैं, और रूबेला, ठीक, ये नेशनल डिजीज के अंतर्गत इंक्लूड किए गए हैं, डिप्थीरिया, पर्टोसिस, टिटनस, पोलियो, मीजल्स, ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस बी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और रूबेला। तो जो अभी नया वैक्सीन आया वो एमआर के नाम से लगता है, अभी पहले क्या है कि एमआर के नाम से नहीं लगता था, अभी जो नया वैक्सीन आया वो किसके नाम से लगता है, एमआर के नाम से लगता है, एमआर यानी मीजल्स और रूबेला के नाम से लगता है। तो ये सब नेशनल की बात करें अपन, तो जो सब नेशनली वैक्सीन है वो कौन कौन से, रोटा वायरस का है, जापानीज एंसेफेलाइटिस का है, न्यूमोनोकोकल का है। तो ये जो सेलेक्टेड स्टेट में यूज कर रहा है, तो यहां से एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, और ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलते अपन नेक्स्ट, तो समझ में आया गया होगा, यानी कि आपको 12 वैक्सीन है, 12 वैक्सीन में 9 तो नेशनल डिजीज के लिए है और 3 सब नेशनल के लिए है, ठीक है, सब नेशनल यानी कि ये रोटा वायरस, न्यूमोनोकोकल, ठीक है, और जापानीज एनसेफेलाइटिस, ठीक है।
अब इसके शेड्यूल को बारे में बात कर लेते हैं कि शेड्यूल में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो शेड्यूल के बारे में अपन बात कर लेते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो बीसीजी वैक्सीन, बीसीजी का मतलब होता है बेसिलाई कालमेट ग्वारिन, और इसको कब दिया जाता है, 8 बर्थ पे दिया जाता है, और पॉसिबल हो तो 1 ईयर के पहले ही इसको दे सकते हैं। यानी कि जिसे कोई है, कोई चाइल्ड है, उसको अगर बर्थ के टाइम पे नहीं लगा कोई कौन बीसीजी, तो हम उसे कब तक दे सकते हैं, उसे 1 ईयर तक उसे हम दे सकते हैं। अब इसकी डोज के बारे में बात कर लेते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। डोज हम इसकी जो यूज करते हैं वो 0.05 ml यूज करते हैं, ठीक है। कब यूज करते हैं, ये यूज करते हैं अपन, कब यूज करते हैं इसको, इसको यूज करते हैं अपन 8 बर्थ, यानी कि बर्थ के समय इसे यूज करते हैं। लेकिन अगर बर्थ पे नहीं लगा, 1 महीने बाद आपको लगानी है, तो इस डोज को अपन यूज करेंगे, वो है 0.1 ml इसको यूज करेंगे। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है यहाँ पर, ये वाला पॉइंट। चलते अपन, और इसका रूट क्या है, इसका जो रूट है वो इंट्राडर्मल है, और लेफ्ट ये भी पूछा जा सकता है कहाँ लगाया जाता है, तो लेफ्ट अपर आर्म में इसको लगाया जाता है। नेक्स्ट बात करें अपन हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी को भी 8 बर्थ, यानी जब बर्थ होती है उसी टाइम पे लगाया जाना जाता है, और 0.5 ml लगाया जाता है, और इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है, और एंटरोलेटरल ऑफ मिड थाई, तो यहां पे इसको लगाया जाता है। ओपीवी की बात करें, ओपीवी की जीरो डोज, जो ओपीवी की जीरो डोज है 8 टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है, 8 टाइम ऑफ बर्थ में दी जानी चाहिए। अगर बर्थ के समय नहीं दे पाए तो विद इन 15 डेज के अंदर अपन को ओपीवी की जीरो डोज देना चाहिए। और कितने ड्रॉप देते हैं इसके अंदर, 2 ड्रॉप देते हैं और ओरली देते हैं, और इसका जो रूट है वो है ओरली है, ठीक है। चलते अपन, देखो इसके अंदर नेशनल इम्यूनाइजेशन है ओपीवी, ओपीवी की फर्स्ट डोज, जो ओपीवी की फर्स्ट डोज है वो 6 वीक्स पर देंगे, सेकेंड डोज 10 वीक्स पर देंगे, ठीक है, और थर्ड डोज 14 वीक्स पर देंगे। इसके पहले जो हमने ओपीवी की डोज दी थी वो दी थी अपने जीरो डोज, कौन सी डोज दिया था वो अपन ने, इसके पहले जो डोज दिया था वो दिया था अपन ने जीरो डोज दिया था। अभी अपन जो डोज दे रहे हैं वो दे रहे हैं अपन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। तो यहां पर फर्स्ट 6 वीक्स पर, सेकंड 10 वीक्स पर, और थर्ड 14 वीक्स पर देंगे, और कितनी देंगे, 2 ड्रॉप देंगे, और ओरली ही इसका रूट है। चलते हैं, अब ये देखो यहां पर क्वेश्चन आ सकता है कि पेंटावेलेंट वैक्सीन, पहले चलता था डीपीटी, पहले क्या चलता था डीपीटी, और डीपीटी को गवर्नमेंट ने रिप्लेस कर दिया किससे, पेंटावेलेंट वैक्सीन से। अब पेंटावेलेंट वैक्सीन चलने लग गया, इसमें क्या क्या है, डीपीटी तो है ही है, और इसके साथ में एच इन्फ्लुएंजा का भी है, और किसका है, हेपेटाइटिस बी का है, जो हेपेटाइटिस बी है उसका भी इसके अंदर वैक्सीन है। तो इसको कब लगाया जाता है, इसको जो लगाया जाता है वो 6 वीक्स, 10 वीक्स और 14 वीक्स पर, और 0.5 ml डोज होती है, और कहां लगाया जाता है, इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है, एंटरोलेटरल ऑफ थाई, जो एंटरोलेटरल होती है थाई वहां पर लगाया जाता है, मिड थाई पर। ये काफी इंपॉर्टेंट है रोटा वायरस का, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो रोटा वायरस है, मैंने आपको बताया ये सब नेशनल डिजीज में दिया जा रहा है, यानी कुछ सिलेक्टेड एरियाज हैं, सिलेक्टेड स्टेट है उसके अंदर दिया जाता है। राजस्थान में भी रोटा वायरस वैक्सीन को दिया जाता है। जो रोटा वायरस वैक्सीन है इसकी फर्स्ट डोज देंगे अपन 6 वीक्स पर देंगे, सेकंड डोज 10 वीक्स पर देंगे, थर्ड डोज 14 वीक्स पर देंगे, और कितनी मात्रा में देंगे, 5 ड्रॉप्स देंगे, और इसका जो रूट है वो है ओरल रूट है। चलते हैं अपन नेक्स्ट, आईपीवी, ठीक है। आईपीवी का मतलब होता है आईपीवी, यानी कि इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। आईपीवी का मतलब इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, ठीक है, पोलियो वैक्सीन। तो ये है आईपीवी, और इसको कब दे रहे हैं अपन, इसके जो कब देते हैं इसको आईपीवी को, आईपीवी का जो है वो है पहले तो 6 वीक्स पे देंगे, और सेकंड डोज देंगे वो 14 वीक्स पे देंगे, और 0.1 ml इसकी डोज है, और कैसे देते हैं इसको, इंट्राडर्मल, और इंट्राडर्मल में भी कहां पर देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इंट्राडर्मल राइट अपर आर्म, जो राइट अपर आर्म है वहां पर इसको देते हैं। चलते अपन नेक्स्ट बात करें, ये काफी इंपॉर्टेंट है मीजल्स का, जो मीजल्स है
अब पहले क्या दिया, पहले वाले शेड्यूल्स में क्या था, ओनली मीजल्स था, लेकिन अभी वाले शेड्यूल्स के अंदर क्या कर दिया है, मीजल्स के साथ साथ में, मीजल्स के साथ साथ में किसको इंक्लूड किया, रूबेला को। तो ये मीजल्स फर्स्ट हो गया, और इसको कब दिया जाता है, 9 मंथ की एज पर दिया जाता है, और 0.5 ml दिया जाता है, और सब क्यूटेनियसली दिया जाता है, और कहां पे दिया जाता है, राइट अपर आर्म, जो राइट साइड होती है, यानी कि राइट साइड वाली अपर आर्म में दिया जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। बात करें अपन नेक्स्ट विटामिन ए, ठीक है, 9 मंथ पर विटामिन ए जो दिया जाता है, और इसका जो 9 मंथ पर कितना है, यहां पर जो 9 मंथ पर है 1 lakh unit दिया जाता है, और ओरल रूट से दिया जाता है इसको, किस रूट से दिया जाता है इसको, ओरल रूट से दिया जाता है, और यहां पर यह भी पूछा जाता है, पूछा जा सकता है कि कितना ml इसको दिया जाता है। तो यहां पर जो ml है वो कितना ml है, यहां पर ml है वो 1 ml, ठीक है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कितना ml दिया जाता है, तो 1 ml दिया जाता है। नेक्स्ट बात करें अपन जापानाइज एनसेफेलाइटिस, ठीक है, ये भी कुछ सिलेक्टेड स्टेट में दिया जा रहा है, और 9 मंथ पर इसको दिया जाता है, और 0.5 ml इसकी डोज होती है, और सब क्यूटेनियसली इसको दिया जाता है, और लेफ्ट अपर आर्म में, कौन सी में, लेफ्ट अपर आर्म होती है वहां पर इसको दिया जाता है। नेक्स्ट बात करें अपन डीपीटी, ठीक है, डीपीटी की बूस्टर डोज, तो जो बूस्टर डोज होती है वो 16 से 24 मंथ्स में दी जाती है, और 0.5 ml इसका डोज होता है, और कहां पर दिया जाता है, इंट्रा मस्कुलर एंट्रोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई। इसके बाद में बात करें अपन नेक्स्ट, देखो फर्स्ट डोज MR2 की फर्स्ट डोज कब पे दिया था अपने, MR2 की जो फर्स्ट डोज दिया था वो 9 मंथ पर दिया था, अब हम जो सेकंड डोज देंगे वो देंगे 16 से 24 मंथ के बीच में देंगे, और कितना देंगे, वही 0.5 ml देंगे, और सब क्यूटेनियसली इसको हम देंगे, और राइट अपर आर्म के अंदर इसको हम देंगे। यहां पे बात करें नेक्स्ट ओपीवी की बूस्टर डोज, जो ओपीवी की जो बूस्टर डोज है वो 16 से 24 मंथ्स पे देंगे, और कितनी देंगे, वो 2 drop dose है, और ओरल इसका रूट है। फिर इसके बाद में जापानाइज एनसेफेलाइटिस, जो जापानाइज एनसेफेलाइटिस है वो देते हैं अपन, कब देते हैं, 16 से 24 मंथ्स पर, यानी कि ये जापानीज एनसेफेलाइटिस की कौन सी डोज है, यहां पर जो जापानीज एनसेफेलाइटिस की वो है सेकंड डोज, यहां पर ध्यान रखना आपको कौन सी है, सेकंड डोज है, और कितना 0.5 ml सब क्यूटेनियसली देंगे, कहां पर देंगे अपन, लेफ्ट अपर आर्म में, ठीक है, यानी कि लेफ्ट अपर आर्म में हम इसे देंगे। नेक्स्ट बात करें यहां पर फिर विटामिन ए 16 to 18 मंथ्स पर, और कितना देंगे यहां पर, 2 lakh देंगे, और ओरली देंगे, और यहां पर 2 ml देंगे, यानी कि 1 ml के अंदर 1 lakh 1 lakh unit होता है, 1 ml के अंदर कितना होता है, 1 lakh unit होता है। नेक्स्ट बात करते हैं डीपीटी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट है, यहां पर डीपीटी की बूस्टर, जो डीपीटी की बूस्टर डोज होती है वो 5 to 6 years दी जाती है, और 0.5 ml होती है, और कहां से दी जाती है, इंट्रा मस्कुलर दी जाती है, और एंट्रोलेटरल, ठीक है, एंट्रोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई, जो मिड थाई होती है एंट्रोलेटरल वहां पर दी जाती है। टीटी की जो डोज होती है वो 10 to 16 years पर दी जाती है, 0.5 ml दी जाती है, और IM दी जाती है, ठीक है, और यहां पर कहां पर दी जाती है, यहां पर ये दी जाती है, यहां पर एंट्रोलेटरल ऑफ मिड थाई, या फिर यहां पर हम डेल्टोइड पर दे सकते हैं यहां पर, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हम बात करेंगे ये प्रेगनेंसी वाला, ये पूछे जाते हैं कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो टीटी की जो फर्स्ट डोज होती है, टीटी की फर्स्ट डोज अर्ली इन प्रेगनेंसी, अर्ली इन प्रेगनेंसी का मतलब होता है जैसे ही आपको प्रेगनेंसी का पता लगे तो तुरंत आपको टीटी की डोज लगवानी है, और कितनी लगवानी है, 0.5 ml लगवानी है, और कहां पे लगेगी, कौन सा रूट है इसका, IM रूट है, और अपर आर्म में ये लगेगी। बात करें अपन टीटी की सेकंड डोज, जो टीटी की सेकंड डोज होती है, जो पहले वाली डोज लगी है, जैसे कि मान लो अपने पहले वाली डोज लगी है, तो सेकंड वाली जो डोज लगाएंगे हम, उसके बीच में 1 महीने का गैप होना चाहिए, तो वो भी अपन सेकंड डोज लगाते हैं 0.5 ml,
ठीक है, और आईएम रूट से लगाते हैं, कहां पर लगाते हैं, डेल्टॉइड पर लगाते हैं, ठीक है, यहां पर डेल्टॉइड पर लगाते हैं। तो पूछा जा सकता है कि टीटी का जो वैक्सीन होता है उसकी उसकी साइट कौन सी है, तो उसको जो साइट होती है वो डेल्टॉइड होती है, यानी कि डेल्टॉइड पर लगाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं आपको यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख सकते हैं। यहां पर टीटी सेकंड बूस्टर इज गिवन 36 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी इफ द पास्ट 36 वीक्स गिवन एट द लेबर इफ शी नॉट रिसीव प्रीवियसली टीटी। अगर किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन में टीटी रिसीव नहीं किया है, कभी भी रिसीव नहीं किया, तो हम उसकी बूस्टर डोज लगा सकते हैं। अगर कब लगा सकते हैं अपन, 36 वीक्स के टाइम पे लगा सकते हैं, बिफोर उसके, अगर पहले रिसीव नहीं किया है। तो बात करें अपन आईपीवी की, यानी इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन वाज, ठीक है, जो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन था, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन वाज इंट्रोड्यूस 9 नवंबर 2015। ये पूछा जा सकता है कि आईपीवी कब इंक्लूड किया गया, तो आईपीवी जो इंक्लूड किया गया वो है नवंबर 2015 में, और पूरी कंट्री में कब लागू किया गया है, कंट्री में 2016 में इसको लागू किया गया है। तो चलते हैं, फिर बात करें अपन पीसीवी न्यूमोनोकोकल कंजुगेटेड वैक्सीन, इसको मई 2017 में किया गया, और बिहार, हिमाचल और एमपी टोटल 18 स्टेट में इसको लॉन्च किया गया। बात करें अपन रोटा वायरस की, तो रोटा वायरस वैक्सीन है 2016 में लॉन्च किया गया, और 11 स्टेट आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, झारखंड, उड़ीसा, आसाम, त्रिपुरा, राजस्थान, तमिलनाडु और एमपी और यूपी, इन स्टेट में इसको लगाया गया। तो थैंक यू दोस्तों, आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यह अपना पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट जल्दी ही हम अपलोड करेंगे।